गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। देखिए बेटा, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी सेम अर्थ, ठीक है, सिनोनिमस कहते हैं हम इंग्लिश में, है ना। तो हिंदी में पर्यायवाची, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हर भाषा में ऐसे शब्द अवश्य होते हैं। एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी एक ही अर्थ को जो प्रकट करते हैं या एक के लिए पर्याय है, यानी एक अर्थ जो है उसके लिए वो पर्यायवाची के रूप में हम यूज कर सकते हैं, है ना, उसका पर्याय जिसे बोलते हैं उसकी जगह पे, पर अर्थ उनका एक ही होता है, समान अर्थ ही होते हैं, वो एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द होते हैं बेसिकली, इन्हें पर्यायवाची भी कहते हैं और समानार्थी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको देती हूँ, जैसे सूर्य है, सूर्य को हम भानु भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं और दिनकर भी कहते हैं, यानी कि भानु भी सूर्य है, रवि भी सूर्य है और दिनकर भी सूर्य है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं आंख, जो हमारी आईज हैं, आंख को हम नेत्र भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं और लोचन भी कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह एक ही अर्थ है, नेत्र भी आंख है, चक्षु भी आंख है और लोचन भी आंख है, यानी कि ये एक ही अर्थ को प्रकट कर रहा है। ये जो शब्द, तरह तरह के अनेक शब्द जो आपने देखे, इन शब्दों ने एक ही अर्थ को प्रकट किया, इसीलिए इन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब आप मेरी प्रेजेंटेशन में देखिए, जैसे मैं बोलूं आसमान में बादल छाए हैं, या मैं बोलूं आकाश में बादल छाए हैं, यानी आसमान के लिए मैंने आकाश और आसमान दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया अलग अलग, है ना, अलग से। इसी तरह से वृक्ष हमारे उपयोगी मित्र हैं, चाहे मैं कहूं पेड़ हमारे उपयोगी मित्र हैं, इस, है ना। तो यानी कि ये क्या है, समान या एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है ना। तो सिंपल है बेटा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आपने बस ये याद रखना कि एक जैसे अर्थ को प्रकट करने के लिए जो हम अनेक शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी तरह से पर्यायवाची शब्दों के कुछ मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे कि जल, जल को बच्चे हम वारी भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, सलिल भी कहते हैं और तोये भी कहते हैं। इसी तरह से आग को आग, अनिल, पाव, हाथी को कुंजर, गज, करी, हस्ती। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे मैंने आपको स्लाइड में उदाहरण दिए हैं, जो कि आपको, है ना, थोड़ा बहुत आपका जो भी कोई डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, पर्वत, पर्वत को हम शैल भी कहते हैं, नग भी कहते हैं, भूधर भी कहते हैं और पहाड़ भी कहते हैं। इसी तरह से पृथ्वी को हम धरा, मही, धरती, वसुधा, भूमि, वसुधरा, ये सब कहते हैं। आपने देखा होगा जब कवि जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, वसुधरा, है ना, मही, धरा। तो इसी तरह से रवि की बात मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में ही की कि रवि यानी सूरज, सूर्य को रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं और भास्कर भी कहते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं बड़े आराम से कि यहाँ पे क्या है कि एक अर्थ को प्रकट करने के लिए, यानी एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों जो है यूज हो रहे हैं। जैसे पवन, पवन को वायु, समीर, हवा, अनिल। इसी तरह से आंख, आंख को नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं और लोचन भी कहते हैं। आकाश, है ना, स्काई, उसको हम गगन भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं और हम उसे अंबर भी कहते हैं। इसी तरह से बेटा मैंने ये जो स्लाइड बनाई है आपके लिए, आप इसे देख सकते हैं, इनमें मैंने तरह तरह के, है ना, आपके लिए मूल शब्द प्लस पर्यायवाची शब्द, यानी जो मूल कोई भी शब्द है, जैसे ईश्वर ले लीजिए, उसे हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, प्रभु कहते हैं। तो इसी तरह से मैंने कुछ शब्द जो हैं आपके लिए रखे हैं, सो दैट आप एक बार देख लो और आपको पूर्ण रूप से आइडिया हो जाए कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। बिल्कुल बच्चे, एक बार मैं फिर पर्यायवाची का जो परिभाषा है आपके साथ, है ना, बोलूंगी। सिंपल शब्दों में कहें तो एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। अब बच्चे, पर्यायवाची शब्द के साथ साथ हम आपके साथ आज विलोम शब्द भी करेंगे।
बेटा विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द, बेटा आप मेरी प्रेजेंटेशन में देखिए, ये एक लड़की है और ये उल्टी है, और इसके उल्टे में ठीक इसके ऑपोजिट जो लड़की है वो सीधी है ना? यानी उल्टी और सीधी, ये क्या है? उल्टा और सीधा क्या समझ आ रही है आपको? हाँ, एक दूसरे के सर्वदा विपरीत अर्थ या भाव प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। फिर आप नेक्स्ट तस्वीर देख लीजिए, अंदर और बाहर। अंदर का ऑपोजिट यानी ऑपोजिट एंटोनिम्स क्या होगा इसका? एंटोनिम्स ऑपोजिट है ना? तो ऑपोजिट क्या होगा? अंदर का बाहर है ना? तो सिंपल है बेटा, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द क्या है? जो उल्टा अर्थ बताते हैं, विपरीत अर्थ बताते हैं, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है? जैसे बड़ा, छोटा, अंदर, बाहर, बहादुर, कायर, है ना? एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि आपको इसमें कुछ भी मुश्किल लगेगा, फिर भी आपको है ना, थोड़े और उदाहरण देती हूँ मैं। जैसे आना जाना, साफ और गंदा, दोस्त का दुश्मन है ना, चढ़ना का उतरना, दूर का पास, उदय होने का अस्त होना, है ना? ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में आपके साथ है ना शेयर किए हैं, सो दैट आप इन्हें देखोगे। जैसे न्याय का अन्याय, धर्म का अधर्म, सुरक्षा का असुरक्षा, संतोष का असंतोष, परिचित का अपरिचित, है ना, शिक्षित का अशिक्षित। तो ये बहुत सारे शब्द हैं बच्चे, आप इसे देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो बेसिकली क्या है, विलोम शब्द क्या होते हैं? ऑपोजिट शब्द होते हैं जो सर्वदा विपरीत अर्थ या भाव को प्रकट करते हैं। तो बच्चे आज अब हम आपके साथ थोड़ी सी पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति मतलब कि रिविजन करेंगे जो आज हमने आपके साथ पढ़ा। सबसे पहले हमने आपके साथ क्या पढ़ा? पर्यायवाची पढ़ा। और पर्यायवाची का मैंने क्या बोला? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, कुछ शब्द एक जैसे ही अर्थ को प्रकट करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। या समान अर्थ जो होते हैं, समान या एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समान अर्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है? यानी कि ये एक की जगह दूसरा यूज हो सकता है उसी अर्थ में। आसमान कह लो या आकाश कह लो, वृक्ष कह लो या पेड़ कह लो, पर ये है, वृक्ष और पेड़ है तो एक ही चीज है, अर्थ तो उनका एक ही है ना? तो बस यही याद रखना है। इसके बाद हमने आपके साथ पढ़ा विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द। और विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ, उल्टा अर्थ देने वाले, जो हमें उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे से उल्टे अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। बेटा जी, मैं आशा करती हूँ कि आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द दोनों जो है बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। इसके साथ ही बच्चे, मैं आप लोगों की जो 9th की जो न्यू ग्रामर आई है, जिसमें सिलेबस चेंज हुआ है, वो वाला जो है आपको PDF भेजूंगी। सो दैट मैं कहीं और से नहीं मटेरियल भेजूंगी आपको, सिंपल आपकी ग्रामर जो इंट्रोड्यूस होगी इस ईयर की, वही ग्रामर आपको भेजूंगी, और उसी ग्रामर का न्यू एडिशन आपको भेजूंगी, सो दैट आप अपने हिसाब से है ना एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जिनको डाउट्स हैं प्लीज अभी व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, सो दैट आज के आज ही हम अपने इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स जो हैं खत्म करके अपने इस टॉपिक को